नेहा, जो कुछ भी हुआ आज घर में, तुम यूनिवर्सिटी जाकर उसका ढंडोरा नहीं पीटोगी। इतनी कम जर्फ नहीं हूँ मैं पापा। इतनी आला जर्फ होती तो मुझे जबरदस्ती आज वाइवा लेने पर मजबूर ना करती। अभी भी शर्मिंदगी हो रही है मुझे इस बात पर। अब्बा माइंड मत कीजिएगा, लेकिन आपको शर्मिंदगी सिर्फ और सिर्फ मेरे आदम को हराने की वजह से हो रही है, जिसको आपने मुझसे ज्यादा 4 नंबर दिए थे। मैंने उसको उस दिन की परफॉर्मेंस पर दिए थे नंबर। रहने दे अब्बा, आप ये चीज कभी नहीं मानेंगे कि आपकी बेटी उससे ज्यादा टैलेंटेड है। फिर वही मुर्गी की एक टांग। आदम, अस्सलाम वालेकुम सर। क्या हुआ आदम, पैदल क्यों जा रहे हो? कहाँ? यूनिवर्सिटी बस के लिए जा रहा था। अच्छा चलो आ जाओ बैठो। नेहा जाओ पीछे बैठो, पीछे बैठो, चलो कम ऑन। कब तक खेलते रहेंगे अपनी औलादों को दूसरों के लिए? मैं तो माफ कर दूंगी, लेकिन वक्त माफ नहीं करेगा। जी मैं जी अपने आपके लिए खोलता हूँ, बैठे। दादू मुझे नहीं देना कोई डेमो शैम्पू। मजबूरी है साइकोलॉजिस्ट, अब ये मेकअप के सामान का दद्दू तो डेमो नहीं दे सकता ना, पीआर पैकेज है। आप ही खवातीन वाली चीजें मंगवाते क्यों हैं? अरे ये मसला भी हल हो जाएगा। हजारों साल नरगिस अपने घर में बेनूरी पे रोने के बाद जब इस घर में तशरीफ ले आएंगी इंशाल्लाह। मुझे ना अपने पेपर्स की तैयारी करनी है और मुझे ये वीडियो अपलोड करनी है टिकटॉक पे। अम्मी अम्मी मेरा पेन कहाँ है? ये आ गई ना ज़ॉम्बी वायरस, इससे बोले ये बना के देगी आपका डेमो। जी नहीं, मेरे पास भी कोई टाइम नहीं है, वो वैसे भी मैं स्कूल से लेट हो रही हूँ। हजार बार कहा है अपनी चीजें संभाल कर रखा करो, और तुम्हारे अब्बा से भी कहा है एक ढंग का वैन का ड्राइवर तो रख दे, अपने जैसा बौखलाया हुआ रखा हुआ है, बेटियों का सारा मुस्तकबिल खराब कर रहा है। मैंने फोन कर दिया मिली को, समद भाई छोड़ाएंगे हमें। हाँ तो जब तक वो शेफ नहीं आता उस वक्त तक तो मेरी हंडिया भून दो, तुम्हारा क्या चला जाएगा। वो आएगी ना नेहा चैंपियन, उसकी सर्विस लीजिएगा, ऐसे डेमोज वो बहुत अच्छे देती है दद्दू। ये रहा समन भाई आ गए, मैं जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज़। रुको रुको, मुझे भी समन भाई से बात करनी है। बाहू बाहू जरा सामने से तो हटे। अरे तुम ही कभी उल्फत का कोई तकाजा निभा दो, आखिर को तुम्हारा इकलौता सगा मामू हूँ मैं। मामू खुदा का खौफ करे, मैं क्या अच्छी लगूंगी ऐसी वीडियोस बनाते हुए? आखिर कोई ये क्यों नहीं सोचता कि इस मेकअप का डेमो देता हुआ दद्दू हैंडसम कितना बुरा लगेगा। नरगिस कहाँ हो? चली आओ कि गुलशन का कारोबार चले। नरगिस आप क्यों कंफ्यूज हो रही हैं? आपसे किसने कहा? माँ आप ह्यूमन साइकोलॉजी रोज किताबों में पढ़ती हैं, लेकिन मैं रोग के चेहरे रोज प्रैक्टिकली पढ़ता हूँ। प्रैक्टिकल और थ्योरी में बहुत फर्क होता है। भाई हम स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं। लेट हो नहीं रहे, हो चुके हैं। हाँ